पूरी दुनिया में केवल पिता ही एक ऐसा इंसान होता है जो ये चाहता है कि आप उससे भी ज्यादा कामयाब बनो। यही नहीं, इस दुनिया में अगर बिना स्वार्थ के तुमसे कोई प्रेम करता है ना, तो वो है तुम्हारे माँ बाप। इसलिए हमेशा उनकी कद्र जरूर करना, क्योंकि वही है जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर आपको अपना सब कुछ दिया है। अपने व्यस्त जीवन में से थोड़ा समय निकाल कर अपने माँ बाप को जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने आपकी बातें तब सुनी थी जब आप बोलना भी नहीं जानते थे। अगर कभी माँ बाप तुम पर गुस्सा करें तो उस बात का बुरा मत मानना, क्योंकि वो गुस्सा नहीं बल्कि अपनापन है, उन्हें तुम्हारी फिक्र है। ये कितना कड़वा सच है कि माँ बाप की जिंदगी गुजर जाती है बच्चों की जिंदगी बनाने में, और वो बड़ा होकर ये कह देता है कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है। शायद लोग ये बात भूल जाते हैं कि मिलने को तो हजारों लोग मिलते हैं, लेकिन हजार गलतियां माफ करने वाले माँ बाप फिर नहीं मिलते। दोस्त याद रखना, पिता वो है जिसके होने का एहसास कभी नहीं होता, लेकिन ना होने का एहसास बहुत होता है। पिता का प्यार मुफ्त में मिलता है, शायद इसीलिए उसकी कोई कदर नहीं। बाकी इस दुनिया में तो हर रिश्ते की कुछ ना कुछ कीमत जरूर चुकानी पड़ती है। दुनिया भर के रिश्ते निभाकर ये जाना कि माँ बाप के सिवाय अपना कोई नहीं होता। जिनको ये सच्चाई मालूम है वो दुनिया में सबसे ज्यादा खुश नसीब है, और जिन्होंने सच को जानते हुए भी अपनी आंखें बंद कर ली है दुनिया में शायद उनसे ज्यादा बदनसीब कोई नहीं। इसीलिए कभी अपनी जबान की तेजी अपने माँ बाप पर मत चलाना, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने तुमको बोलना सिखाया है। हमेशा अपने पिता का सम्मान करना, क्योंकि पिता उस पेड़ की तरह होता है जिसकी छांव में पूरा परिवार सुख से रहता है। अगर कोई पूछे तो ये मत कहो कि मेरे माँ बाप मेरे साथ रहते हैं, बल्कि गर्व के साथ ये कहो कि मैं अपने माँ बाप के साथ रहता हूँ। ये इस दुनिया का कड़वा सच है कि माँ बाप की नसीहत सबको बुरी लगती है, पर माँ बाप की वसीयत सबको अच्छी लगती है। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि अपने माँ बाप पर इतना विश्वास करो जितना दवाइयों पर करते हो। बेशक कड़वी होंगी, लेकिन आपके लिए फायदेमंद भी होंगी। दोस्तों, अपने माँ बाप से प्रेम कीजिए, अपने परिवार से प्रेम कीजिए। किसी ने कितना सुंदर लिखा है, प्यास थी गजब की मगर पानी में जहर था, पीते तो मर जाते ना पीते तो प्यास से मर जाते। बस यही दो मसले जिंदगी भर ना हल हुए, ना नींद पूरी हुई ना ख्वाब मुकम्मल हुए। वक्त ने कहा काश थोड़ा सब्र किया होता, सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त दिया होता। दोस्तों, माना जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन ये भी याद रखिए कि जिंदगी ने आपको जो दिया है, ऐसे कई बदनसीब हैं जिनको वो तक हासिल नहीं है। तो दोस्तों, सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाइए, सफलता हासिल कीजिए, मगर अपने माँ बाप को मत भूलिए जिनका सबसे बड़ा हाथ रहा है आपकी सफलता में। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशा। सुनते रहिए मन की आवाज़।